लैपटॉप लेके आ गए? आई लव शॉपिंग लाइक एनी अदर गर्ल डज. तो मैंने इतना शॉपिंग की, इतना शॉप किया है ना कि माय पेरेंट्स वर लाइक बस करो, यू नो, बस करो तुम. सो आई रियली शॉप्ड अ लॉट. आई मीन हमें जब भी छुट्टी मिलती थी आई यूज्ड टू बी अगेन आउट. ऐसे मुझे ना कहीं और जाना है, बिकॉज वो सेट देख देख के ना आई नीड टू सी मोर पीपल, अदर पीपल, मॉल. सो आई यूज्ड टू टेक माय फ्रेंड्स अलोंग एंड आई यूज्ड टू गो शॉप एंड आई बॉट स्टफ फॉर माय मॉम, डैड, सिस्टर, यू नो, एट दैट टाइम. सो या फर्स्ट सैलरी वो मिलना इज लाइक आई तो वेंट मैड, पागल हो गई थी मैं एकदम खुशी से. एंड मैंने अपने लिए आईफोन खरीदा था. दैट इज़ वन थिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ. आई वाज लाइक आईफोन खरीदना है मुझे. सो या दैट वाज माय थिंग दैट आई बॉट विद माय फर्स्ट सैलरी. या आइए देखते इस हफ्ते आपने अपना प्यार किस सेलिब्रिटी को दिया है. ये गिफ्ट श्यामला ने भेजा है बैंगलोर से. देखते हैं इसके अंदर क्या है. इन्होंने बहुत खूबसूरत सा ये गणेश जी दिया है श्यामला ने बैंगलोर से. एक्चुअली आप देखेंगे गौर से तो ये देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है GURMEET. और इस साइड आप सोच रहे होंगे क्या है, तो ये बिना का भी नाम है इसमें DEBINA. जो आइडिया श्यामला ने लगाया वो बहुत ही अच्छा है. थैंक यू श्यामला. श्यामला मैंने आपका लेटर पढ़ा और आपने जैसे कि बताया है कि इसमें कि आपने पिछले साल नवंबर में हमारा शो गीत देखना स्टार्ट किया था. उसके बाद आपके बच्चों ने आपको बताया इस शो के बारे में और उसके बाद आपने ये शो देखना देखने लगी. और उसके बाद आपने अप्रैल से जितने भी शो एपिसोड आपने मिस किए थे वो आपने यूट्यूब पे इंडिया फोरम्स में देख देख के आपको मालूम चला इसके बारे में और आप बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हैं. और आपका लेटर पढ़ के ये समझ आ रहा है कि आप जिस कदर से प्यार करती हैं और जो प्यार दिख भी रहा है बहुत ही काबिले तारीफ़ है. और बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के कि आपका इतना सारा प्यार, इतनी दुआएं हमारे साथ हैं. तो भगवान चाहेगा तो ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और आपकी दुआएं रहेगी तो बिल्कुल. थैंक यू श्यामला. आप भी अपना प्यार गिफ्ट कार्ड के जरिए भेज सकते हैं अपने चहेते सितारों को इस पते पर. अब मैं मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी टीवी एक्ट्रेस से जिसके इंटरव्यू की रिक्वेस्ट से आपने मेरा पूरा फेसबुक पेज भर दिया है. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लव ने मिला दी जोड़ी की अवनी गुजराल यानी कि फर्नी चौहान की, जो आज हमें दिखाएंगी अपना स्वीट होम. दिस इज माई हाउस. एज यू कैन सी इट्स वेरी वाइट एंड जो पूरा डिजाइनिंग किया है इंटीरियर्स, पूरा क्रेडिट मॉम और डैड को जाता है. मेरे घर में मॉम है, डैड है, मेरी बड़ी बहन है और मैं हूँ. सो एज यू कैन सी दिस इज ऑल माई मॉम्स कलेक्शन. मेरी मॉम को बेल्स कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक है. तो विच एवर कंट्री शी गोज वो हमेशा कोई एक बेल ज़रूर कलेक्ट करती हैं उस कंट्री की. आई विल जस्ट टेल यू अबाउट दिस. ये जो आप देख रहे हैं कैरिकेचर्स, ये मैं हूँ. एंड यस, दिस इज 2005. ये मेरी मॉम है, मेरे डैड हैं. हम गए थे टोरंटो और वहाँ पे यू नो आउटसाइड सीएन टावर्स दिस प्लेस, वहाँ पे कोई बैठ के ना स्ट्रीट पे कैरिकेचर्स कर रहे थे. सो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड. आई सेड मेरे को बैठ के आई वॉन्ट टू सी हाउ ही मेक्स मी एंड एवरीथिंग. ही इज मेड माई फादर एग्जैक्ट. आई मीन आई वॉज सो इम्प्रेस्ड. पहले पापा को बिठाया था. मेरे तक आते आते आई फील दैट हाँ कुछ तो है, बट मेरे को काफ़ी गुस्सा आया था. मतलब मेरा नाक उसने ऐसे क्यों बनाया है, मेरे लिप्स ऐसे क्यों बनाए हैं, बट इट्स काइंड ऑफ वेरी क्यूट. आई वांट टेल यू अबाउट दिस पेंटिंग. माय फादर वाज इन द नेवी एंड ये एयरक्राफ्ट मेरे डैड ने फ्लाई किया है. तो वो एक स्क्वाड्रन को लीड कर रहे थे एज अ स्क्वाड्रन कमांडर. तो उनके एक सेलर ने उनको ये गिफ्ट दिया था, ये पेंट करके खुद से. दैट सेलर वॉज वेरी गुड एट पेंटिंग. So this is like the biggest propeller aircraft in the world. So I was very proud of my father. I said very nice and everything. So he's flown this when he was in the Navy. My dad has played a lot of golf. Papa ko golf, matlab Navy se unhone Navy ko bhi represent kiya hai. Golf. These are all his very few trophies that he's won. This is his mini bar, which he again dad ko bhi bahut shauk hai. He collects all like. Whatever, I don't know the names, but again, this is his corner. So the glasses, everything is his collection. It's that evil eye, right? So my mom had gone to Turkey. So when Turkey gayi thi, to wahan pe evil eye ka bahut, it's very famous.
तो शी एंड दे से ना कि दरवाज़ा खोल के सब सामने इविल आई होना चाहिए बुरी नज़र से बचाने के लिए. एंड कम आई शो यू द किचन. एंड एज यू कैन सी वी हैव अ वेरी वाइट किचन ऑल्सो. माई मॉम ऑलवेज वॉन्टेड खुला स्पेस एयरी एयरी ओपन किचन होना चाहिए. अब यू कैन प्लीज कम एंड हैव अ लुक एट माई रूम. एंड दिस इज माई रूम. दिस इज माई इलाका. यहाँ पे कोई कुछ नहीं कह सकता मुझे. मेरे को जो करना है मैं यहाँ करती हूँ. आई स्पेंड माई टाइम इन माई रूम एंड टी वी देखती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ, फ्रेंड से बात करती हूँ घंटों. इफ़ आई एम नॉट इन द मूड मैं अपनी बहन को बाहर भी निकाल देती हूँ कि डोंट कम टू माई रूम. सो दिस इज माई स्पेस. आई एम सो अटैच टू माई रूम आई कॉन्ट टेल यू. क्योंकि मुझे अभी सिर्फ अपने कमरे में नींद आती है. अगर मुझे कोई बोले ना वहाँ आके सो जाओ, आई एम लाइक नहीं. अपना बेड, अपना पिल्लो, सब कुछ अपना चाहिए मुझे. दिस एज यू कैन सी इज माई वॉल. आई समटाइम्स आई जस्ट कम एंड आई जस्ट स्टेयर एट माई वॉल, यू नो. आई जस्ट कीप सीइंग पिक्चर्स एंड यू नो फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड थिंग्स लाइक दैट. सो इट्स बेसिकली फ्रेंड्स फैमिली एंड क्या है एक माई बेड इज देयर, माई ड्रेसिंग टेबल, एवरी थिंग दैट आई यू नो नीड. आई एम वेरी पर्टिकुलर, तो सब कुछ मेरे आँखों के सामने होना चाहिए. हाँ, आई एम मेरे को बहुत शौक है. मेरे को परफ्यूम्स का इतना शौक, एक मतलब कितना यूज़ कर सकते हैं. बट आई एम लाइक नो, आई वॉन्ट मोर, यू नो. आई गेस लोगों को बहुत होता है ना बैग्स का, शूज़ का, क्लोथ का. मुझे परफ्यूम्स का भी बहुत ज़्यादा शौक है. सो आई मेक श्योर दैट आई कीप एवरीथिंग आउट. माई फेवरेट एक्चुअली अभी रिसेंटली, आई मीन आई गॉट दिस मिस डियोर, यू नो. आई रियली लाइक द स्मेल. अ फ्रेंड हैड सजेस्टेड इट टू मी. सो आई सेड ओके, आई विल गेट इट. आई लव द स्मेल. सो या परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक है. एंड एज यू कैन सी एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ माई व्यूअर्स यू नो ऑल द फैंस आर गोइंग टू बी वेरी, उनको कोई सरप्राइज नहीं होने वाला है इफ़ आई टेल यू दैट यू कैन सी मेरे रूम में पिंक चीज़ें हैं. बिकॉज इट्स वेरी स्वीट, बट ऑल माई फैंस नो दैट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ पिंक. और एज यू कैन सी एवरीथिंग इज पिंक. यहाँ पे पिंक पिंक कर्टन्स. ये मेरे क्यूट कोस्टर्स हैं, ये मैं लेकर आई थी. दीज आर ऑल्सो पिंक. इवन मेरा डस्टबिन पिंक कलर का है. सो यू कैन इमेजिन कि मुझे पिंक कितना पसंद है. अब ये जो है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ विजुअलाइजेशन चार्ट, विच दे से आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल हैव रेड दिस बुक कॉल्ड द सीक्रेट. एंड दे से कि जो भी आपको यू नो यू रियली वॉन्ट इन लाइफ, अगर आप उसके बारे में सोचोगे यू नो एंड इफ यू ड्रीम अबाउट इट, कभी ना कभी वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, यू नो. सो वट एवर यू वॉन्ट, वेदर इज समथिंग एज स्मॉल एज अ कार और अ हाउस, you know, or a holiday also, if you just make pictures and just put the pictures up, you know, kabhi na kabhi wo manifest hoga life mein. So I really believe in that. I'm very very spiritually inclined. A fetish cupboard jo hai mera filhal thodi halat uski theek nahi hai, but still these are my clothes. I always make sure ki main belts, mere chains alag se rakhu, mere belts alag hote hain. My god, these are all the bells. This is like my newly acquired pink this thing. Somebody gifted it to me. So yeah, I find it very cute and it's pink. And she got it for me because it's pink. I hope आपको मेरा घर बहुत अच्छा लगा हो and सबसे ज़्यादा मेरा कमरा अच्छा लगा हो. So take care and I hope to see you again. Bye. दोस्ती की इन खूबसूरत बातों के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा. अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे इसी शो पर जिसका नाम है व्हाट्सअप टीवी. पर तब तक आप हमें अपने कमेंट्स और सजेशन भेजना मत भूलेगा एट whatsapptv@india-forums.com पर. टिल देन टेक केयर एंड अ वेरी 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 हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे. ओके, रिपीट टेलीकास्ट. हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे. विशिंग ऑल द फैंस ऑफ इंडिया फॉर्म्स अ वेरी वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे. Wishing all the fans of India Forums a very happy Friendships Day. Very happy Friendships Day to you all, and I hope you all have a very good day. Happy Friendship Day to all of you.